हेलो फ्रेंड नमस्कार, मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए जो मैंने टारगेट बैच स्टार्ट किया है आज उसका 17वां डे है यानी कि 17वां दिन है और 17वें दिन आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर अभी तक आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर के देखिए, क्योंकि अगर आप सारी वीडियो नहीं देखोगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन एक नंबर से चूक जाए और वो वीडियो ऐसी हो जिसमें एक नंबर आपको दिला दे। तो आपको हर वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 60 दिन में पूरा सिलेबस कराने की ठानी है और पूरा 60 दिन में पूरा सिलेबस कराने वाला हूं, रिवीजन भी कराऊंगा, मॉक टेस्ट भी लगवाऊंगा, यानी कि आपका कुछ छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार करना है आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा। तो देखिए हमें आज जो पढ़ना है, सबसे पहले बात करेंगे मैथ की, तो मैथ में आज आपको क्या पढ़ना है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज मैथ का, वो है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपसे ये चैप्टर आ गया तो ये समझे कि आपका आधा मैथ कवर हो गया। तो ये वाला टॉपिक है, आज ही आपको कंप्लीट नहीं करना है, इसको मैं आपको 2 दिन दूंगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये वाला टॉपिक आज आपको कवर करना है। आज कम से कम इसके 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन करने हैं और सभी क्वेश्चन के, ये समझिए कि 10-10 क्वेश्चन करोगे तो कम से कम आप 50 क्वेश्चन आज आपको इस टॉपिक से करने हैं। अब बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो आपको पढ़ना है तो रीजनिंग में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में पढ़ना है आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में इसका आता ही आता है। और जो क्वेश्चन टाइप बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं, देखिए जैसे इस तरह के जो आपने बॉर्ड मास रूल पढ़ा होगा ना, सेम उसी तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब इसमें कुछ भी कर सकता है, जैसे कि आपको इसको सॉल्व करके यहां और कुछ भी आ सकता है। जैसे आप सपोज ये इसको सॉल्व करके मेरे पास 6 आया और यहां उसने दे दिया 12, तो आपको क्या करना होगा, उसका ऑप्शन होगा इसका डबल करना होगा, यानी कि क्या जो हमारा सॉल्यूशन आया उसका डबल करके उसने इक्वल में दे रखा है, तो उसी तरह से हमें जो ऑप्शन होंगे जो पूछ रहा होगा वो वाला करना है। और इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं आप उनको आसानी से कर सकते हो। अब इसके बाद बात करेंगे साइंस की, तो आपको पता ही है कि साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि इसके आने वाले हैं 25 क्वेश्चन और आपको करना है कम से कम 20 प्लस का टारगेट साइंस में। तो साइंस देखिए 9th के हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें जो पढ़ना है 10th के एनसीईआरटी जो हम लेकर के चले हैं आज, उसका चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर नंबर 3 में जो नाम है इसका चैप्टर, आपके पास अगर साइंस एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो कोई सी बुक में आप देख सकते हैं, वहां आपको धातु एवं अधातु वाला टॉपिक यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल वाला जो टॉपिक है ये कवर करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आपके पास अगर कोई भी साइंस की बुक है तो आप वहां से देख सकते हैं, तो देखिए कोई सी बुक होगी आपको चैप्टर मिल जाएगा धातु यानी कि मेटल्स, इसमें देखिए कुछ नहीं होता है, आपको नॉर्मल पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से इसमें जो अवक्रियाएं हैं देखिए पोटेशियम मैग्नीशियम सोडियम ये वाली चीज पढ़नी है आपको, और आवर्त सारणी में जो धातुओं का स्थान है, देखिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है रेलवे में वो यही पूछा जाता है कि इनका स्थान किस नंबर पर है, किस नंबर पर आता है, लेफ्ट से किधर है, राइट से किधर है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ये बड़ा टॉपिक नहीं है, आप एक दिन में आसानी से कवर कर सकते हो, और यहां से ही कम से कम ये समझिए कि 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो दिलाएगा आपको 1 या 2 नंबर, तो 1 नंबर तो आप ये समझे कि कंप्लीट आपका हो ही जाएगा। देखिए और मिश्र धातुएं भी होती हैं कुछ, देखिए धातु हो गई अधातु हो गई और इसी में मिश्र धातु भी पड़ी है। इसमें मिश्र धातु में क्या होगा, देखिए जैसे जर्मन सिल्वर है, अब जर्मन सिल्वर किससे बना है, तांबा से बना है, निकल से, जिंक से, CuNi और Zn, इस तरह के फॉर्मूले हैं आपको देखना है, वहां क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनेगा आपको दे देगा कि जर्मन जो सिल्वर है वो किस तरह से किस किस से मिलकर बना है, तो कहीं तांबा निकल जिंक दे दिया जाएगा, कहीं आपको इसमें से कोई एक चीज हटा करके दूसरा चीज दे दिया जाएगा, तो आपको वहां देखना है, क्योंकि ये चीज आपको आज कवर करनी है। तो आज आपको बस इतना ही, और ये देखिए तत्व एस तथा उसके सूत्र, ये वाले सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये वाले सूत्र आपको याद करने हैं। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लिख लिख करके याद करेंगे, क्योंकि आपको पहले ये पढ़ लेने हैं, उसके बाद में आपको देखिए सीसा सोना ये चीज लिखोगे, उसके बाद में इनके सूत्र लिखना और एस्क का नाम, यानी कि एस्क का क्या नाम है, देखिए जैसे सीसा हुआ, सीसा को जो एस्क का अगर नाम पूछा जाएगा तो गैलेना है, और इसका अगर सूत्र पूछा जाएगा तो पीबीएस है। तो इस तरह से तीनों चीज आपको याद करनी है,
क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, एस का नाम भी आ सकता है, सूत्र भी आ सकता है और तत्व भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपको करनी है साइंस में। अब बात करेंगे जीके। तो देखिए जीके में आज आपको अपवाह तंत्र, यानी कि भारत में बहुत सारी नदियां हैं, वर्ल्ड में भी बहुत सारी नदियां हैं, तो उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां जाकर के मिलती है, ये वाला टॉपिक आज आपको कवर करना है। क्योंकि जो सहायक नदियां हैं ये वाला टॉपिक जरूर पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है और वो नदी है जो कहां से निकलती है और एक और चीज कि किस राज्य से होकर के आती है और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, ये सारी चीज आपको जीके में आज कवर करनी है। भूगोल का, जियोग्राफी का ये टॉपिक है, तो ये वाला टॉपिक आज आपको कवर करना है। एक दिन में ये टॉपिक आपसे नहीं होने वाला है, तो इसको कम से कम 2-3 दिन दूंगा मैं आपको। तो आज आपको ये मोटा मोटा यानी कि एक बार समझना है कि आखिरकार ये अफवाह तंत्र है क्या। इसके बाद बात करेंगे जीए यानी कि करंट अफेयर। करंट अफेयर में जो आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला है, पुरस्कार का जो टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं, कल हमने पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण वाले जो टॉपिक कंप्लीट किया था, वो आज आप एक बार रिवाइज करना कि कौन सा पुरस्कार किसे मिला है। उसके बाद आपको पढ़ना है भारत रत्न, यानी कि भारत रत्न प्रथम यानी कि सबसे पहले किसे मिला और इस साल किसे मिला और इससे पहले यानी 2020 में, यानी कि कम से कम आपको जो मैन मैन होते हैं ऐसे, जो मेरा सचिन तेंदुलकर को, मेरा सचिन तेंदुलकर को किस खेल में मिला भारत रत्न, ये ध्यान रखना। क्योंकि खेल के क्षेत्र में केवल सचिन ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद करने हैं। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज आपको याद करना है, नोबेल पुरस्कार, यानी कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस किस को दिया जाता है, किस किस को मिला है, ये वाली चीज आपको कंप्लीट करनी है। तो मैंने आपको जितना आज आपको पढ़ना है, कवर करना है, आपको बता दिया है कि मैथ में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है और साइंस में क्या पढ़ना है, जीके जीए में आपको क्या पढ़ना है। समय की आपको पता ही है कि आपको मैथ में कम से कम 3 घंटे देने होंगे और वही रीजन में आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है समय, और साइंस के लिए भी आप 1 से 2 घंटा दे सकते हो। अगर आपकी साइंस ज्यादा कमजोर है तो आप 2 घंटा दीजिए, अगर आपकी साइंस सही है, अच्छी है, तो आप 1 घंटा भी दे सकते हैं। इसके बाद जीके को आपको 1 घंटा देना है, ज्यादा समय इसमें बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जीके के आपको केवल और केवल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जीए में आपको ज्यादा समय देना है, क्योंकि जीए के भी 10 क्वेश्चन आएंगे और जीए का टॉपिक जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको करा रहा हूं, आपको और ज्यादा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।